गोली मारकर हत्या की घटना का एसपी रोहित काशवानी ने किया खुलासा। 12 जनवरी को टीकमगढ़ जिले की खिरिया चौकी क्षेत्र के ग्राम नेगुआ में गोली मारकर वृंदावन यादव की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के ग्राम महरौनी को कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल, एक कट्टा, एक प्लेटिना बाइक और मृतक का मोबाइल जब्त किया है। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, जमील खान, टीकमगढ़। मृतक छत्रपाल यादव, तो उसमें पुलिस को आज सफलता मिली और आरोपी राजेश्वर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मृतक आरोपी छेड़ रहे थे और बारवीं चिल्लाई तो बताया और मृतक के बीच में और आरोपी के बीच में वाद विवाद हुआ और आरोपी ने उसको गोली मारी थी। उसके बाद से आरोपी भाग रहे थे। हमारी पुलिस की टीम यहाँ टीकमगढ़ पुलिस की टीम झांसी गई, यहाँ से ललितपुर भी गई और विदिशा बिना सब जगह इनको तलाश से गिरफ्तार किया गया। इनसे एक पिस्टल और एक कट्टा किया गया है। इसमें थाना प्रभारी कोतवाली, चौकी प्रभारी खेरिया, साइबर सेल प्रभारी और अन्य पूरी टीम की सराहनीय योगदान रहा है। इसमें हम इनको पुरस्कृत करेंगे।